हेलो बच्चों, इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट्स, है ना। तो हमने स्टार्ट किया था एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में। तो होता क्या, हम बताना चाहते हैं कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है रिएक्टेंट, यदि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी कितनी अमाउंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। और हमने एक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लिया था कि इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कितनी अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करती है, कितनी अमाउंट मोबाइल होती है, कितने उस इलेक्ट्रोलाइट के कितने आयंस क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। उस आयंस के फ्रैक्शन को ही क्या कहते हैं, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं या एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर रही है पर्टिकुलर एग्जांपल में। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या है, एक टर्म है जो इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन को बताती है। कि मैंने क्या कहा, एक टर्म है विच यूज टू रिप्रेजेंट या विच यूज इंस्टेड ऑफ एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जो एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है, वो ऑलवेज एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन से कम होती है, एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन से कम होती है। और हम जानते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स लिए किसी रिएक्शन के लिए, किसी इलेक्ट्रोलाइट के, उसमें से कितने मान लो 10 उसके मोबाइल है, यानी मोबाइल मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं। ठीक है, 10 कितने हैं, 10 मॉलिक्यूल हैं। तो ये 10 क्या है, यह एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या है, या फिर मैं इसे इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन भी कहता हूं, या इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 10 मॉलिक्यूल क्या है, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स पर, 100 पर। मैं कहूं यदि मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, 200 है, तो इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 20 मॉलिक्यूल्स, है ना। 20 मॉलिक्यूल्स क्या है, इफेक्टिव है, एज ए इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन बिहेव कर रहे हैं। यदि मैं कहूं 1000 क्या है, 1000 क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें से इफेक्टिव कितने हैं, तो इफेक्टिव होंगे 100। ठीक है, द पॉइंट इज, मान लो एक एग्जांपल, यदि मैं 100 लूं, उसमें से 98 क्या है, या 99 भी कहूं, 99 मॉलिक्यूल्स क्या है, एक्टिव हैं, इफेक्टिव हैं। तो इट मींस कि जो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा ज्यादा होती है, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन से, या किससे, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होती है। यदि बात करें ज्यादा होती है, अब ज्यादा का मतलब, यानी देखो यहां से, मैंने जब 100 थे मॉलिक्यूल, जब एक्टिव मॉलिक्यूल कितने माने, सपोज किए 10, तो जब मैं देखो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहे हैं। जब मैंने 1000 कर दिया, तो 100 क्या है, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है। इट मींस जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी। सी क्या है, इसे मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी जनरल जो एक्सप्रेसिंग मेथड है वो क्या होता है, मोलैरिटी होता है। तो A is proportional to C, यानी actual concentration क्या होता है, proportional to होता है। यदि मैं proportional के साइन हटाऊं, तो A equal to F C, और यह F ही क्या कहलाता है, activity coefficient कहलाता है, क्या कहलाता है, activity coefficient। Clear? If यदि मैं इस equation को modified करूं, If I modified this equation like this,
A upon C. तो रेशियो ऑफ एक्टिविटी एंड द कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज एक्टिविटी. यही तो एक्टिविटी. इफ आई राइट डाउन दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये देखिए मोल कॉन्सेंट्रेशन है, या रिप्लेस करूं, इसे रिप्लेस करूं किससे, मोलैलिटी से. मोलैलिटी से क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं इस सी को, और मोलैलिटी को किससे, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो जो एक्टिविटी कॉफिशिएंट है उसे गामा से डिनोट किया जाता है, गामा से डिनोट किया जाता है, और विच इज इक्वल टू ए एक्टिविटी अपॉन एम. एम क्या है, मास नहीं है, यहां एम है मोलैलिटी. बात क्लियर. तो वन बाई वन सारी चीजों को लिखेंगे जो अभी तक समझे हैं. बात क्लियर, ठीक है, तो लिखो. देखो फ्रैक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज सेड टू बी इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन which flow electricity. The fraction of concentration, यानी concentration का वह part जो electricity flow करता है, क्या कहलाता है, active concentration या effective concentration कहलाता है. बात clear? जब मैंने effective concentration कहा तो हम बचपन में या अभी पढ़ के आए हैं last class में, K क्या लिखा था मैंने, K लिखा था पहले, ये लिखा था, ठीक है, B plus upon AB, फिर उसको यानी K equilibrium है, equilibrium, तो इसको किस में लिखा, K equilibrium में molar concentration में, molar concentration C A plus C B minus upon C AB, ठीक है, फिर K equilibrium को क्या लिखा, K equilibrium को लिखा देखो, अब लिखा जा सकता है, मैं activity को define कर रहा हूँ, तो activity पर K equilibrium depend करेगा. अभी पढ़ रहे हैं K equilibrium क्या है, K backward backward reaction का rate constant upon forward reaction का rate constant यानी KB upon K. तो ये क्या होगा, A plus A B minus, ठीक है, A B minus upon A A B, इसकी टर्म में लिखा जा सकता है. तो देखो next line it is, so actual concentration of electrolyte is higher than the effective concentration. Next line, the term which represent the active concentration is called activity, bracket में A लिख लेना, small a, is called activity bracket में A. So we use activity instead of concentration.
इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखना है फॉर्मूला, ये लिखना है, ये देखो जो सर्कल में है एलिप्टिकल सर्कल है, कैसा ही सर्कल होगा ना, इसे लिखो इक्विलिब्रियम को ए प्लस, यानी ए प्लस जो कैटायन है, कैटायन की कैटायन के लिए एक्टिविटी या एक्टिव मासेस, एनायन के लिए एक्टिव एक्टिविटी अपॉन रिएक्टेंट के लिए एक्टिविटी, ठीक है, ये क्या होगा इक्विलिब्रियम को डिनोट करेगा, क्लियर। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा, नेक्स्ट लाइन में क्या होते हैं उनमें जो सॉल्यूट सॉल्यूट और
पीटरसन से थे वो ज्यादा हाई थे, किसमें लेजर थे? सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन क्या थे? अच्छे नहीं थे। यानी अट्रैक्शन फोर्सेस कब थे? तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के लिए उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा और सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्यूट सॉल्वेंट में अट्रैक्शन कम होगा, तो इस वजह से नेगेटिव डेविएशन देखिए। अब मैं कह रहा हूं आइडियल बिहेवियर कौन सा करेंगे? जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे, यानी डेविएशन शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा नॉन आइडियल। दूसरा क्या है? नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर एक्चुअल सॉल्यूशंस और मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्यूशंस पेयर ऑफ लिक्विड्स या सॉल्यूशंस डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या? जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो फर्स्ट लिखना आइडियल सॉल्यूशन और इसमें लिखना सॉल्यूशंस व्हिच डज नॉट फॉलो, सॉरी व्हिच फॉलो सॉल्यूशंस व्हिच फॉलो राउल्ट्स लॉ आर आइडियल सॉल्यूशंस आर आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। और नॉन आइडियल लिखना द सॉल्यूशंस व्हिच डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, जहां से हमारा रियल चैप्टर रियल सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अब तो हम जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से था वो चीजें हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहां से चीजें शुरू होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कि द प्रॉपर्टीज which are यानी जो प्रॉपर्टीज वो डिपेंड करती हैं, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के जितने भी नंबर हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के जितने भी नंबर हैं उन पर ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं की ना, एक्चुअल में नंबर से क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही है। यहाँ एवोगाड्रो नंबर यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स हैं ना, उसने डायरेक्ट किया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है, डिपेंड करती है ये प्रॉपर्टीज। सो तो जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? पहला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सॉल्वेंट पर डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट के नेचर पर नहीं। मैंने क्या कहा? सॉल्यूट के नेचर पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती, सॉल्यूट का नेचर कैसा भी है उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो पहला टाइप है ऑस्मोटिक प्रेशर। The second one is elevation in boiling point, ठीक है। तीसरा depression, वो है depression ही, depression in freezing point, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पॉइंट नंबर फोर है रिलेटिव डिप्रेशन या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये क्या है, थोड़ा सा बात करूंगा, ज्यादा नहीं, वन बाय वन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में चर्चा
सर ये तीनों चीजें, ये तीनों प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड है? इस बात पर डिपेंड करती है। किस पर? वेपर प्रेशर पर डिपेंड करती है सारी की सारी। जैसा विलयन का यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वैसे ही ये चीजें इफेक्ट होती है, सारी चीजें इससे जुड़ी हुई इंक्लूडिंग दिस वन रिलेटिव लेवलिंग का प्रोसेस। अब एग्जांपल से समझते हैं कि कहां यूज हुआ है। मैंने याद हो तो इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर दिस यूनिट मैंने कुछ एग्जांपल लिए थे कि हम कहां सॉल्यूशंस का यूज करें। मैं शायद ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था लेकिन थोड़ा सा आइडिया दिया था कि सॉल्यूशन हम कहां कहां यूज करने वाले हैं, करते हैं हम डेली लाइफ में, डेली रेगुलर बेसिस पर भी करते हैं। मैंने कहा था दो पात्र लो जिसमें या यूटेंसिल लो है ना, जिसमें वाटर लिया हुआ है, या फिर टू टाइम्स लो है ना। टू टाइम्स मतलब यह जो एक्सपेरिमेंट है दो बार करो ठीक है। तो वन टाइम एक नॉर्मल वाटर लो और उसको बॉइल करो और टाइम लो कि कितना टाइम लगेगा ठीक है। वो सिर्फ इतना मीजर करो कि कब वेपर निकलना स्टार्ट हुआ ठीक है, उसका टाइम मीजर करो और टेम्परेचर यानी टाइम कैलकुलेट करना, तो उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो वहां से मैं कनेक्ट कर पाऊंगा ठीक है। तो करोगे करके देखना। दूसरा उसको करने के बाद सेम टेम्परेचर यानी जहां से पानी पहले लिया था वहीं से अब लेना है दूसरी बार। लेकिन याद रहे पहले उस यूटेंसिल को मैंने कहा जब पहले आपने पानी लिया उसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगा उसको मीजर कर लेगा ठीक है। दूसरी बार जो यूटेंसिल लिया हुआ है उसको आपने गर्म किया तो वो तो पहले से ऑलरेडी गर्म है, पहले उसको उसी टेम्परेचर पर लाए जहां से वो बिगिनिंग में था क्योंकि उससे हमारे डाटा में इरर आएंगे, एरर आएंगे ना, तो एरर नहीं चाहिए। तो उसी टेम्परेचर पर फिर उतना ही पानी ला, वाटर लाए और फिर उसे गर्म करें और गर्म करते समय या गर्म करने से पहले उसमें क्या डालें, नमक सॉल्ट ऐड करें फिर गर्म करें तो उसमें जो टाइम लगेगा नमक उसे थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में डालें, सब ज़्यादा से अमाउंट मतलब काफ़ी मात्रा में डालें जैसे 50 ग्राम मिनिमम तो डालें ही। उससे आप देखेंगे वो टाइम मीजर करें। मान लो दूसरी सिचुएशन में वाई टाइम आया, वाई सेकंड वाई मिनट ठीक है, तो आप देखेंगे इन दोनों टाइम्स में डिफरेंट आए और कौन सा टाइम बड़ा होगा ग्रेटर होगा, ये वाई टाइम ग्रेटर होगा। तो वजह क्या है, वेपर प्रेशर में लोअरिंग यानी कमी होने की वजह से, कमी होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ज्यादा समय में बॉइल होता है, ज्यादा समय से मतलब ज्यादा टेम्परेचर उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम ज्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा ठीक है। तो इसमें एलिवेशन यानी बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हो जाता है। अब यहां जो मैंने आइसक्रीम के ठेलियों का एग्जाम्पल दिया था जस्ट वही एग्जाम्पल, क्योंकि आइसक्रीम को कोल्ड ही रखने के लिए क्या किया जाता है, जो ठेली होती है या जहां जिस भी इसमें जहां भी बनती है आइसक्रीम तो वहां देख सकते हैं जो आइस यूज होती है बर्फ जमाने के लिए वो क्या होती है, उसमें जो सॉल्ट है नमक है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा मिलाई जाती है ताकि लंबे समय तक वो बर्फ वो आइस मेल्ट ना हो। तो वो क्या होता, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में वो नमक मिलाने से क्या होता है ड्रॉप हो जाती है, फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है यानी कम टेम्परेचर और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है जिससे वो लंबे समय तक आइस मेल्ट नहीं होती है और लंबे समय तक आइसक्रीम को ठंडा रख पाते हैं। क्लियर? तो ये तीनों पॉइंट आई थिंक रिलेटिव को ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे वन बाय वन, लेकिन थोड़ा सा कनेक्ट करना जरूरी था। अब पहले ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ें, उससे पहले दो छोटे छोटे से चीजें ठीक है। पहले हमें डिफ्यूजन पता होना चाहिए,
भाई हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं तो हमें डिफ्यूजन पता होना चाहिए, डिफ्यूजन पता होना चाहिए और एज वेल एज हमें ऑस्मोसिस पता होना चाहिए। डिफ्यूजन द अदर वन इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन क्या है? ये मोस्ट ऑफ द टाइम गैसेस की प्रॉपर्टीज है, जैसे फॉर एग्जांपल के एग्जांपल से हमारे चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आते हैं कि आप किसी टेबल पर या कहीं भी मान लो आप जैसे आपने धुआं जले, धुआं हो फ्यूम, तो जैसे किसी भी कमरे में आप धुआं करें तो वह धुआं एक स्थान पर ज्यादा होता है फिर वो फैलता है। मैं कह रहा हूँ वह धुआं, वह फ्लैम या फ्यूम, सॉरी फ्यूम, वो स्मोक फैलता है लेकिन जिस जगह पर था वहां उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और वह आप उस सोर्स ऑफ जो फ्यूम है स्मोक है उसको हटा दो। मैं स्मोक हटाने नहीं कह रहा, सोर्स ऑफ स्मोक हटाने नहीं कह रहा, हटा दो बाहर कमरे से, रूम से बाहर, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद वह जो फ्यूम है पूरे कमरे में फैल जाती है। तो वे यह प्रोसेस क्या है? यही प्रोसेस डिफ्यूजन है। जब आप फिल्ट्रेशन करते हैं तो उसमें स्लोली स्लोली आप ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी धीरे धीरे आप उसको ब्यूरेट में जो भी सॉल्यूशन डाला हुआ उसको फ्लास्क में डालते हैं, मिलाते रहते हैं, कलर का वेट करते हैं कि कब कलर बने फिल्ट्रेशन के बाद। ठीक है, कब कलर बने? तो जैसे ही आप ड्रॉप डालते हैं उसको फ्लास्क को हिलाते हैं तो जैसे ही कलर बना आप स्टॉप कर देते हैं, ब्यूरेट से सॉल्यूशन को डालना बंद कर देते। जैसा आप ड्रॉप डाली और कलर गायब हुआ वो क्या है? जिस कहते हैं ना कलर फैलता है, तो वो प्रोसेस क्या है? वो भी डिफ्यूजन का एग्जांपल है। लेकिन कलर का फेड होना, कलर हो जाता ना फेड हो जाता है तो कलर भूल जाता है, तो लिक्विड भी डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करते हैं। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम ये गैसेस की प्रॉपर्टी है लेकिन डिफ्यूजन लिक्विड्स भी शो करते हैं। ठीक है, यानी जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो मूवमेंट है सॉल्वेंट की या सॉल्यूशन की वो क्या है? उसे ही डिफ्यूजन कहा जाता है। जबकि ऑस्मोसिस क्या है? इसका रिवर्स प्रोसेस है लेकिन विद अ डिफरेंट एग्जांपल। डिफरेंट एग्जाम्पल मान लो आप जैसे चने की दाल लें या फिर कोई भी दाल, जब उसको पानी में भिगोते हैं आप देखते हैं कि वो उस समय बाद वो दाल फूल जाती है। वजह क्या है? वजह है ऑस्मोसिस। क्या है? ऑस्मोसिस, जैसे हिंदी में परासरण, ऑस्मोसिस की वजह से वो दाल फूल जाती है क्योंकि बाहर यानी चने के अंदर जो अमाउंट ऑफ क्या है लिक्विड या मतलब वाटर क्या है बहुत ही कम है, लेकिन ना के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल है ना, तो बाहर अमाउंट ज्यादा है और अंदर अमाउंट कम है, तो जो मूवमेंट है हाई डेंसिटी से सॉरी लो डेंसिटी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। जैसे कपड़े धोते हैं आप, जैसे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स तो आप कहाँ इंग्लिश मीडियम वाले कपड़े धोएं क्या, तो जब कपड़े धोते हैं तो हल्की सी जो ये हाथों की जो फिंगर्स हैं उनकी जो ये है स्किन वो थोड़ी सी ऐसे दब जाती है, क्या हो जाती है? कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है, उसमें संकुचित हो जाती है, तो वो किस वजह से? बाहर जो सॉल्यूशन था वो किससे यहाँ से, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जो जैसे ब्लड है या फिर प्लाज्मा है वो बाहर आ, नहीं उसकी नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ अमाउंट में जो सॉल्वेंट है वो बाहर आ जाता है, तो कपड़े काफी समय के बाद यानी हाथ पानी में रहे तो हमारी जो फिंगर्स हैं उनकी जो स्किन है वो पिचक जाती है। वो भी किसका एग्जांपल है? वो भी एग्जांपल है ऑस्मोसिस का। क्लियर? दाल का फूलना बनाने के लिए भिगोते हैं वो भी किसका एग्जांपल है? ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें है SPM यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है किसके लिए?
यानी सॉल्वेंट का या तो अंदर जाए या जैसे ऐसे किसी पात्र में, यहां बीच में क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहां सॉल्वेंट है यानी प्योर प्योर लिक्विड, और यहां क्या है सॉल्यूशन। तो यह सॉल्वेंट सॉल्वेंट है ना, इसका यह सॉल्वेंट इसमें आता है। कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो यहां से सॉल्वेंट यहां आता है। तो यहां देखो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव हो रहा है, यही क्या है ऑस्मोसिस है। ठीक है, पहले डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, फिर ऑस्मोसिस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा लिखो डिफ्यूजन डालना है, डिफ्यूजन डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी सॉरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं लिखी ना, पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन लिखो है ना, डेफिनेशन लिखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। A property which depends only on the number of particles, which depends only on the number of particles of the solute present in solution, present particles of solute present in solution, present in solution, present in solution, present in solution, not on the nature of solute is known as colligative properties। जो फोर टाइप मैंने बताए थे लिखवाए थे वो फोर टाइप हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, और सबसे पहले डिफ्यूजन हेडिंग डाल देना, और डिफ्यूजन के बारे में नेक्स्ट क्लास में अगेन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और ऑस्मोटिक प्रेशर डिटेल में डिस्कस करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। बलबन बलबन जानता कौन था, बलबन के बारे में यार तेरे को सारे बम बम से बारे में नहीं पता, पर वो सब पता हिस्ट्री नहीं पढ़ी तुमने। मजा ही अखबार ने लिया है कि माना कि तो पहले बोल रहे हैं।